हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सरोदे आई तो इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की जो मीन्स के लिए बुक आती हैं उनका एक रिव्यू करेंगे एक एनालिसिस करेंगे इन बुक्स का कि ये कैसी हैं आपका मीन्स के लिए इनके कंटेंट को देखेंगे और इसमें अच्छे खासे बुक्स हैं एक आध मिसिंग हैं इसमें ठीक है जिस जैसे जिन जिन पेपर की दो आती हैं उनके मेरे पास एक भी है तो उससे एक एनालिसिस हो जाएगा कि क्या है इसमें क्या दे रखा है आप लोग इस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें देखिए हर पेपर के लिए ये अपना बुक उतारते हैं तो एथिक्स के लिए था पेपर फोर के लिए तो पेपर फोर के लिए मैंने नहीं लिया मेरे पास उससे अच्छी बुक है तो मैंने पेपर फोर के लिए उसको नहीं लिया वन के लिए ये दो बुक्स आती हैं जिसमें एक में आपका हिस्ट्री और सोसाइटी होती है एक में आपका जोग्रफ़ी होती है ठीक है और टू के लिए ये है जिसमें ये पॉलिटी गवर्नेंस सोशल जस्टिस ये सब दे देते हैं रेड बुक में रेड कलर वाली और देन ये बुक है पेपर थ्री के लिए ये दो बुक्स आती हैं पेपर थ्री के लिए एक इकनॉमी की होती है और एक होती है आपकी अरे साइंस साइंस एंड एनवॉयमेंट के लिए ठीक है तो देखिए अब क्योंकि यू पी पी सी एस में घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक बहुत uh, फेवरेट है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा काम करती है प्रलम्स में घटना चक्र जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है प्रॉब्लम्स में मीन्स में थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाता है अब देखिए ये सब किताबें सेवेंटी पेजेस की हैं से सेवेंटी पेजेस में आप सोसाइटी भी दे रहे हो हिस्ट्री भी दे रहे हो वर्ल्ड हिस्ट्री भी दे रहे हो एंशंट भी दे रहे हो कल्चर भी दे रहे हो सब सेवेंटी टू पेजेस में दे दोगे तो सोसाइटी बात है क्वालिटी की देगी मतलब इन्होंने किया गया है जैसे मान लीजिए दस सब टॉपिक्स दे रखे हैं एक में तो ये सब के ऊपर उन्होंने मान लीजिए दस दस लाइन भी लिखी लेकिन सब कवर कर दिया ऐसे किया इन्होंने तो ये थोड़ी ना होता है यार मीन्स तो बड़ा एनालिटिकल होता है भाई ठीक है ऐसे ही इन्होंने इसमें किया है इसमें इन्होंने इंडिया की इंडिया की वो दे रखी है जोग्राफी और यूपी की जोग्राफी दे रखी है ठीक है सेकेंड पेपर में चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जैसे अलग फिज़िक्स वाला में जैसे वो अलग सर बोलते हैं एक और वायरल वीडियो की शुरुआत <laughs> तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें देखिए तो स्टार्ट करते हैं इस इस फर्स्ट को से देखिए ये फर्स्ट पेपर के लिए है इस पेपर में उन्होंने पूरी हिस्ट्री इंक्लूडिंग एंशंट मिडीवल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री सोसाइटी इतना पोर्शन ये एक बुक में दे रखा है ठीक है और ये इसका है ये इसका है इंडेक्स देखिए कल्चर मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री सोसाइटी वुमेन इशूज लिबरलाइजेशन सोशल एम्पावरमेंट ठीक है तो ओवरऑल देखिए आप तो एक हर टॉपिक के ऊपर आपको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट मिल जाएगा ठीक है लेकिन कंप्लीट कंटेंट नहीं मिलेगा इसमें बस इस चीज़ को आपको याद रखना है हर चीज़ के बारे में मान लीजिए आपके पास टाइम बचा है से थर्टी डेज ठीक है तो जिनका अभी रिज़ल्ट आया है जिनका अभी रिज़ल्ट आया, आया है जो डाउटफुल थे और उनको उनको ये ये बुक्स ले लेनी चाहिए उनके लिए तो ये सही चीज़ है ठीक है अगर आपके पास टाइम है मान लीजिए आप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप प्रॉपर अच्छी बुक से रेडी करिए अपने अलग अलग टॉपिक वाइज एक अलग अलग बुक से आप पढ़िए वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी है लेकिन अगर आप अभी दो देने जा रहे हैं और आपका प्रपरेशन आपको लग रहा है कम है आप नो डाउट इसको यूज़ कर सकते हैं हर टॉपिक के ऊपर फिर आपके पास थोड़ा थोड़ा कंटेंट हो जाएगा फिर आप ये कि अपना एंड में अपने ब्रेन पे प्रेशर दे के आप वहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं ठीक है इसका नेक्स्ट देखते हैं देखिए नेक्स्ट है ये जोग्रफी के लिए जोग्रफ़ी इसमें इंडिया की जोग्रफी दे रखी है इसमें यूपी की जोग्रफ़ी दे रखी है ठीक है बेसिकली करते क्या हैं तो इसमें इंडिया अब जैसे जैसे कि प्रॉब्लम्स के लिए चीज़ें बनती हैं जैसे मान ली प्रॉब्लम्स के लिए कोई चीज़ बनी से अगर इकनॉमी की बात करें तो इन्होंने मान लीजिए दे दिया कि प्लानिंग कमीशन ठीक है देन आपका नीति आयोग देन वो सारे अलग अलग जिस तरीके से आप देखते हैं प्रॉब्लम्स की बुक में होता है कि अलग अलग प्लान्स में क्या क्या हुआ उस तरीके से चीज़ें दे रखी होती हैं तो ये प्रॉपर आपको करते क्या है? ये हर चीज़ जो भी दे रखा है उससे उस रिलेटेड डिस्कस कर देते हैं ठीक है तो जैसे इसका देखते हैं इसका देखते हैं ये आप इसका कंटेंट देख लेते हैं इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल नेचुरल रिसोर्स ठीक है सीधे सीधे कॉपी करते हैं ये लोग जो भी आइटम वहाँ पे दे जो भी सब पार्ट दे रखा होता है देन फिजिकल एंड क्लाइमेट जोग्राफ़ी और इसके टोटल आप देखेंगे सेवेंटी टू अब सेवेंटी टू पेजेज़ में तुम जोग्राफ़ी कैसे कवर कर दोगे भाई इतना बड़ा सब्जेक्ट है इतने ज़्यादा इसके वो हैं सब पार्ट है वहाँ तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है सी फीचर्स ऑफ फ़िज़िकल जोग्राफी उसमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है क्लाइमेटोलॉजी जियोमोरफोलॉजी सब कुछ उसके अंदर आ रहा है तो ये कि अगर आपके पास टाइम कम है तो नो no डाउट ये एक ठीक ठाक चीज़ है आप या इससे पढ़ लीजिए और आंसर प्रैक्टिस कीजिए जब ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स अपने आप बाहर आएंगे जब चीज़ों से रिलेटेड जब आपको एक रफ आइडिया होगा कि हाँ ऐसा ऐसा है माइग्रेशन बाउंड्री पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट उत्तर प्रदेश आर्ट एंड कल्चर एंड उत्तर प्रदेश जोग्रफी इसमें उत्तर प्रदेश आर्ट एंड कल्चर और उत्तर प्रदेश जोग्रफी दे रखी है ठीक है तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर का ये है थर्ड पेपर का देखिए थर्ड पेपर के लिए दो बुक आती हैं इकॉनमी वाली मेरे पास है नहीं ठीक है ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वामेंट की ये देखिए ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी अचीवमेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी साइबर बायोटेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी आई पी आर रोबोटिक्स न्यूक्लियर साइंस दैन इसी तरह आप देखिए इन्वामेंट uh, में सिक्योरिटी इकोसिस्टम बायोसफेयर पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड दिस तो एक तरीके के जितने भी सब पॉइंट्स हो सकते हैं पॉसिबल सबको इन्होंने कवर करने की कोशिश की है ये थोड़ा सा इसमें पेजेस बढ़े हैं और ये करीब हंड्रेड फिफ्टीन के आसपास पेजेस में ये बनाई गई है ठीक है तो आप एक चीज़ और मैंने बहुत अजीब सी देखी इसमें कि जो हिंदी मीडियम की जो जो हिंदी मीडियम के लिए जो बुक्स हैं वो ज़्यादा पेजेस में बनी हैं वो उसे जैसे ये मान लीजिए सेवेंटी टू में है तो वो वन फिफ्टी में है वो थोड़ी बुक्स बल्कि आई हैं मोटी आई हैं ये नहीं पता नहीं क्यों इंग, जो इंग्लिश मीडियम की बुक हैं ये थोड़ी सी पतली बनाई उन्होंने तो कंटेंट इसमें कम है तो यही है कि आ, कम टाइम वालों के लिए एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा हर हर सब पार्ट के बारे में टॉपिक के ठीक है ये देखिए लास्ट बुक है ये है जी एस टू की एक ही बुक निकाली उन्होंने ठीक है इसके अंदर इस तरीके से देखिए अब ये इस तरीके से दे रखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वाली फ़ील आएगी आपको पढ़ने के बाद ठीक है और इसका वो देख लेते हैं देखिए ये देखिए आप आपके uh, हो गए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देन पी फंडामेंटल राइट डी पी एस पी यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट स्टेट जुडिशरी अमेंडमेंट अमरजेंसी सेंटर स्टेट रिलेशन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन दैट मीनस की सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट पंचायती राज हो गया ठीक है देन यू टी दैन आपका सर्विस अंडर यूनियन देन आपका इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सोशल जस्टिस और आपका हो गया इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सोशल जस्टिस इंटरनेशनल रिलेशन ठीक है तो ये थोड़ी सी बल्कि बुक है ये आपका थ्री हंड्रेड पेजेज़ की बुक है ठीक है तो इसने पूरा एक तरीके से कह सकते हैं लक्ष्मीकांत थोड़ा सा कॉपी पेस्ड टाइप का है ठीक है तो अगर आप ओवरऑल पूछें देखिए कम टाइम है अगर मैं पूछूँ अगर आप पूछें कि ओवरऑल इसमें क्या है अगर आपके पास कम टाइम है तो फिर आप इस बुक इन बुक्स का हेल्प इन बुक्स की हेल्प ले सकते हैं ठीक है और अगर आपके पास टाइम है भी मान लिया आप और चीज़ों को पढ़ तो भी आप एक लेके रफ़ आइडिया ले सकते हैं कि सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं है ना और अगर आपके पास टाइम है टू वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये है भैया स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो ठीक है जिसके लिए जो है लक्ष्मीकांत उसके लिए पढ़ लीजिए आप गवर्नेंस के लिए आप जो मटीरियल प्रेफ़र करना चाहें अच्छा स्टैंडर्ड मटेरियल प्रेफर कीजिए हर चीज़ का स्टैंडर्ड मटेरियल प्रेफर कीजिए आपके पास टाइम है बहुत टाइम है दो हज़ार तेईस के लिए ठीक है अभी आप आराम से पढ़िए फिर जहाँ से चीज़ें चेंज होंगी जैसे हम लोग भी अपने मीन्स के बाद फ्री होंगे तो फिर हम लोग प्रॉब्लम्स और उसके लिए नई कुछ इनिशियेटिव स्टार्ट करेंगे आपके लिए ठीक है और इनको अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जो नेक्स्ट दो हज़ार तेईस में दे रहे हैं उनको तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इन बुक्स को बिल्कुल मत लीजिएगा पैसे मत बर्बाद कीजिएगा इनसे अच्छा कुछ और स्टैंडर्ड मटीरियल ख़रीदिए चाहे चाहे कम ही लीजिए लेकिन इस इसको मत लीजिएगा और जो 2022 में जिनको जिनको लगता है टाइम कम बचा है वो ले सकते हैं इस मटीरियल को ठीक है तो ये था इनका रिव्यू और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें थैंक यू थैंक यू वेरी मच